नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गर्ल्स हॉस्टल से भागी लड़कियों ने वार्डन पर लगाया संगीन आरोप, जांच में जुटी पुलिस। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में दो लड़कियों और दो महिलाओं के अवैध रूप से हॉस्टल में जाने की बात कही है। बिहार के पास आरा के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय दो छात्राओं ने वार्डन पर चौंकाने वाला आरोप लगाया है। छात्राओं का आरोप है कि गर्ल्स हॉस्टल में रात को पुरुष आते थे, उन्होंने वार्डन पर निजी काम करवाने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही शाहपुर बीडीओ और सीओ सहित शाहपुर पुलिस कस्तूरबा स्कूल पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। आरोप लगाने वाली दो छात्राएं बुधवार रात से हॉस्टल से भाग गई है। गांव के लोगों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि इस घटना के बाद करीब 80 छात्राओं के माता पिता ने उन्हें हॉस्टल से वापस ले गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में दो लड़कियों और दो महिलाओं के अवैध रूप से हॉस्टल में आने की बात कही है। दोनों ने रजिस्टर में एंट्री नहीं की थी। इधर ग्रामीणों ने दबी आवाज में विद्यालय की वार्डन गीता सिंह और हॉस्टल के गार्ड सद्दाम पर छात्राओं की उत्पीड़न करने और आपत्तिजनक कार्य करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने चारों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बिहार महिला आयोग ने भी प्रशासन से घटना की रिपोर्ट मांगी है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।